हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूपूवन। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ अपडेट दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, वंडरिंग जो की कटिंग जो मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी, सेट हो चुकी है। बिल्कुल अच्छी ग्रोथ है इस पर। और देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था कि अगर आपके पास मिट्टी नहीं है, खाद नहीं है, तो कैसे आप गार्डनिंग स्टार्ट करोगे। तो ये वही कंटेनर है आपके सामने ही। मैंने इसमें तीन प्लांट लगाए थे, बरबट्टी के दो प्लांट थे ये सामने वाले, और पीछे वो जो है टमाटो का प्लांट था। तो देखिए, सेट हो चुका है। अभी भी मैंने इसको शेडी एरिया में ही रखा है। मैं दो दिन के बाद इसको जगह चेंज कर दूंगी, धूप में रख दूंगी। ये नीचे वाले दोनों प्लांट सेट हो चुके हैं। टोमेटो का प्लांट थोड़ा मुझे लग रहा है, तो मैं दो दिन के बाद इसको धूप में सेट कर दूंगी। अपडेट कैसा लगा ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिट्टी बनाना सिखाऊंगी, मिट्टी कैसे बनाते हैं। देखिए, ये पुराने जो हमारे गमले थे, जिनकी पॉट की रिपोर्टिंग वगैरह मैंने कर दी है, गमलों की, पौधों की, तो ये मिट्टी जो इस तरह से बच जाती है ना, आप उसको एक दो दिन के लिए धूप में सुखा दिया कीजिए, क्योंकि जो मिट्टी में कमी आ गई है ना किसी भी वजह से, तो वो स्टेरलाइज हो जाती है। धूप में सुखाने से आप सबको पता ही है, कीड़े मकोड़े सब चले जाते हैं, सब मर जाते हैं, सब गायब हो जाते हैं, मिट्टी की गुडनेस जो है वो बढ़ जाती है। तो मिट्टी मैंने दो दिन से यहीं पर डाल रखी है, किसी वजह से मैं इसको वीडियो को शूट नहीं कर पाई। तो अब आपको बताते हैं समर के लिए मिट्टी बनाना। तो सिंपल भाषा में बताती हूँ, मेरे पास है एक कट्टा मिट्टी, हाफ कट्टा आप इसमें मिक्स करोगे या हाफ से हाफ कर सकते हो। मैंने इसमें मिक्स किया है अपना किचन वेस्ट, ठीक है। किचन वेस्ट के बाद हाफ कट्टा आपका किचन वेस्ट हो गया। अगर आपको पैदावार अच्छी चाहिए तो, वैसे आप अपनी मर्ज़ी से कितने भी परसेंट कर सकते हो, तो हाफ कट्टा का भी हाफ ले लो। उसमें आपको मिक्स करना है रिवर सैंड, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट है, इसको ध्यान रख लेना। उसके बाद देखिए, चाय की पत्ती होती है ना, धूप बहुत तेज है, मुझे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा। ये दो पड़े जो हैं, ये चाय की पत्ती है। चाय हम बनाते हैं, उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, चीनी अदरक इस सब हटाने के बाद उसको मिट्टी में मिक्स कर सकते हो। इसका और भी बहुत सारे यूज़ है किचन में, वो मैं आपको बताऊंगी, सॉरी गार्डन में। ये मैंने कोयले की राख ले रखी है, लकड़ी की राख हो या जो कंडे वंडे होते हैं उनकी राख हो, उसको भी आप ले सकते हो। हाफ चम्मच के करीब मैंने फंगी पाउडर लिया है, एक चम्मच के करीब हल्दी ली है। यहाँ पर मैंने ले रखा है सी विड स्ट्रैक आधा चम्मच, और एक मुट्ठी से दो मुट्ठी के करीब यहाँ पर मेरा है नीम की खली, सरसों की खली, दोनों मिक्स करके मैंने डाल रखा है। ये सारी चीज़ें मैं मिक्स करके पॉटिंग मिक्स बनाती हूँ। अगर आपको चाहिए कि बहुत अच्छी पैदावार हो, या मैं किसी भी प्लांट को लगाऊँ वो सर्वाइव करे, कभी भी ना मरे, तो आपको इसी तरह से मिट्टी रेडी करनी है। मैं जल्दी से इसको मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद आपको शो करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरीके से मैंने अपनी मिट्टी को मिक्स कर लिया है। एक बात मैं आपको बताना भूल गई, अगर आप चाहते हो कि आपके प्लांट में, आपकी मिट्टी में कैल्शियम की कमी हो रही है और आप उसको दूर करना चाहते हो, तो आप इसमें डाल सकते हो चूना, जिसको मैं अवॉइड करती हूँ। आप चूने की जगह इसमें एक्सेल डाल सकते हो। इससे पहले किसी वीडियो में मैंने आपको दिखाया था एक्सेल का यूज़ करना, या फिर अगर आपके पास एक्सेल नहीं है, आप एग वगैरह नहीं खाते हो, तो जो चौंक आती है ना ब्लैक बोर्ड पर लिखने की, आप उसको भी डाल सकते हो क्रश करके, ठीक है। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको दो तीन और यूज़ बता दूंगी कैल्शियम के, जिसे आपके प्लांट में फ्लावर जो है ना, वो जो झड़ जाते हैं, वो फ्लावर नहीं झड़ेंगे। अभी मैंने आपको दिखाया, शायद इससे पहले वीडियो में दिखाया मैंने, कितना ब्यूटीफुल सा फ्लावर हमारे गार्डन में खिला है। तो आप इसी तरह से मिट्टी रेडी करोगे, और उसके बाद कोई भी प्लांट लगाओ, 100% चलेगा, और 100% उस पर फ्लावरिंग आएगी, और 100% उस पर फ्रूटिंग भी आएगी। मेरे वीडियोस अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो घंटी का बेल आइकन आता है ऑल पर प्रेस कर देना, तभी आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारा वीडियो देख सकोगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और देखिए मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरा गार्डनिंग में ही मन लगता है, और गार्डनिंग के बिना अगर मैं कुछ करूंगी तो मुझे संतोष नहीं होगा। मैं संतोष के लिए, शांति के लिए अपने मन की गार्डनिंग करती हूं। नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट।